आपको एक ना होलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी पड़ती है। तो आपको ये बताया जाता है कि हाई कार्ब डाइट से आप कैसे ज्यादा गेन कर सकते हैं, कैसे फैट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कैलोरीज का एक्सपेंडिचर होता है जिस पे ये सारी बातें होती हैं। तो ओवरऑल कैलोरीज एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल आपका 3000 कैलोरीज मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट और द रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर बोल लीजिए या फिर आरएमआर बोल लीजिए। तो उसके अंदर अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको 200 कैलोरी का डेफिसिट करना पड़ेगा, अगर मैं प्रॉपर वे में कहूं, उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो 3000 कैलोरी अगर बर्न होती है और आपने 200 कैलोरी का डेफिसिट कराया, तो वो आपके ऊपर, आप 50% फैट डालना चाहें, 50% कार्ब डालना चाहें, पर अगर आप कार्ब डालेंगे तब भी सेम अमाउंट ऑफ फैट लॉस होगा या कुछ ज्यादा ही फैट लॉस होगा अगर आप हाई डाइट मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्ब पे रहें तो भी। तो ओवरऑल जो डिपेंड करता है वो आपका टोटल कैलोरीज एक्सपेंडिचर।